नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है हमारा लंग्स को कैसे शक्तिशाली बनाएं। आमतौर पर क्या होता है, हम अपने लंग्स का सिर्फ 1/3 कैपेसिटी का उपयोग करते हैं और व्यक्ति का जीवन इसी में पूर्ण हो जाता है। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि हमारी बिल्डिंग जो है छोटी है तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी वाटर पंप लाएंगे और काम हो जाएगा। कोई 10 मंजिल वाली मल्टी स्टोरी है तो क्या होगा, आपको उसके लिए टिल्लू मोटर से काम चलेगा क्या? उसके लिए आपको लगेगा बड़ा सबमर्सिबल पंप, ऐसा बड़ा पंप लगेगा। यदि कोई बड़ी बिल्डिंग है तो आपको क्या लगेगा, बड़ा मोटर वाला पंप लगेगा। पर ये जो शरीर है ना, हमेशा जीवन भर छोटी टिल्लू मोटर से चलता रहता है। इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझ सकते हैं। एक छोटी व्हीकल है जिसका इंजन कौन सा है, छोटा सा है, और एक बड़ा बुलेट गाड़ी है तो बुलेट गाड़ी का इंजन कैसा होता है, पावरफुल होता है। कहीं पड़ोस से गाड़ी निकल जाए तो क्या होता है, पूरा लगता है कि वातावरण में ऐसा लगता है कि गाड़ी जा रही है, और एक छोटा व्हीकल निकलता है तो अरे भाई छोटी सी गाड़ी चली गई। वही हाल हमारे शरीर का है। इस उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम अपने लंग्स का सिर्फ 1/3 कैपेसिटी का ही उपयोग करते हैं। कितना, 1/3। मान लें यदि लंग्स की कैपेसिटी 100 है तो हम कितने परसेंट का यूज कर रहे हैं, 33% का। अब आप बताइए 33% का उपयोग करेंगे तो आपका शरीर कैसे स्वस्थ होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको उदाहरण के माध्यम से क्या बताया कि किसी भी गाड़ी का इंजन या किसी मोटर का इंजन जितना पावरफुल है उतना वो अच्छी इफिशियंसी से कार्य करे। पर जब आपका इंजन मतलब आपके लंग्स कम कैपेसिटी से काम करेंगे तो आप सोचिए आपको ऊर्जा कैसे मिलेगी, आपको शरीर कैसे स्वस्थ होगा, आप अपने आप को कैसे शक्तिशाली महसूस करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अपने लंग्स को मजबूत करके आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं। तो हमको क्या समझना होगा कि हम अपने लंग्स की कैपेसिटी का कम उपयोग कर रहे हैं और हमको इसकी सही कैपेसिटी का उपयोग करना सीखना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, लंग्स में हमारे लंग्स की हम 3 दिशाओं से एक्सपेंशन की तैयारी करेंगे। हम अपने लंग्स को क्या करेंगे, 3 दिशाओं से मजबूत बनाएंगे। तो पहला अभ्यास क्या होगा, पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको किस प्रकार से अभ्यास करना है। अब हम सीखेंगे कि हम 3 प्रकार से अपने लंग्स की कैपेसिटी का एक्सपेंशन करेंगे, मतलब लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेट से इस अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से आपको पेट पर दोनों हाथ रखना है और धीरे धीरे पेट फुलाना है। धीरे धीरे पेट दबाइए, पेट फुलाइए, पेट अंदर दबाइए, पेट फुलाइए, पेट दबाइए, पेट फुलाइए, पेट दबाइए। विश्राम करें, आपके पेट के क्षेत्र में आने वाले लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। अब उसी प्रकार से आप सीने पर हाथ रखेंगे, आप सीने पर हाथ रख के सीने को लगातार फुलाएंगे। विश्राम, आंखें बंद, अपने सीने के अंदर ध्यान को लगा के रखें। सीने के क्षेत्र में आने वाले लंग्स का विस्तार हो चुका है, वहां पर लंग्स की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब हम 3rd प्रकार से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएंगे। हाथ को इस प्रकार रखेंगे, सीना और कंधे को ऊपर उठाएंगे। विश्राम, 3 प्रकार से, सबसे पहले पेट से, फिर सीने से और फिर कंधे से। जब हम 3 प्रकार से अपने कंधों को, पेट को और सीने को एक्सरसाइज देते हैं, उससे श्वास लेते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि जितने आपके लंग्स स्ट्रांग होंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, उतना आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपके शरीर में कोई भी रोग पैदा नहीं होगा। तो आज से आपसे आग्रह है कि इस क्रिया को आप नियमित तौर पर कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, इस क्रिया को कहाँ करना है, या तो आपकी छत पर या कमरे में जहां पर शुद्ध हवा आती रहे। इस प्रकार हम देखते हैं एक छोटा सा व्यायाम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देता है।
तो आपसे आग्रह है कि इस अभ्यास को अपने परिवारजनों के साथ में करें और खुद भी स्वस्थ रहें और परिवार को स्वस्थ रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को जन जन तक प्रसारित करें ताकि हम स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।